नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत का औहदा पूरी दुनिया में उभर रहा है। हर क्षेत्र में भारत दूसरे देशों को मात देता हुआ आगे बढ़ रहा है, फिर चाहे बात सुरक्षा क्षेत्रों में हो या फिर विकास के। इस बीच अब भारत ने खेल की दौड़ में भी दूसरे देशों को पछाड़ना शुरू कर दिया है। इसका सबूत हम हाल ही में चल रहे टोक्यो ओलंपिक में साफ देख सकते हैं, जो भारत के शूरवीर खिलाड़ी अपने दम पर विदेशों में जाकर भारत का तिरंगा गाड़ रहे हैं। बता दें कि इस बार मेडलों की भरमार के साथ ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, जिसके बाद उन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करते हुए देश भर में उन्हें प्यार और सम्मान भरपूर मिल रहा है, और इसी के साथ राज्य और केंद्र सरकार उनको ढेर सारे तोहफे भी दे रही है। अब ऐसे में भारत के राष्ट्र खेल हॉकी में देश का नाम रोशन करने वाले हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में उन्हें डीएसपी बनाया जाएगा। यह फैसला मध्य प्रदेश कैबिनेट ने लिया है। आगे बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हॉकी में शानदार प्रदर्शन करके विवेक सागर ने देश का नाम रोशन किया है। उसके बाद से ही मध्य प्रदेश में सरकार ने उन्हें खूब तारीफ भी की। दरअसल आपको बता दें कि विवेक सागर उन खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब राज्य कैबिनेट में उन्हें पुलिस में डीएसपी बनाने का फैसला लिया गया है। ये जानकारी राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रोंज मेडल दिलवाने में विवेक सागर ने भी अहम भूमिका निभाई थी। आइए आप खुद सुनिए कि इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश की माटी के लाल ओलंपिक में विवेक सागर जो हॉकी टीम के सदस्य के रूप में कांस्य जिन्हें जीता था, उसको डीएसपी बनाने का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने लिया। दरअसल आपको बता दें कि टोक्यो से वापस लौटने के बाद सीएम शिवराज सिंह ने उन्हें सम्मानित भी किया था। इस दौरान सीएम ने उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक और एक शॉल भी भेंट की थी। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने विवेक सागर को डीएसपी बनाए जाने का फैसला लिया। वहीं खेल विभाग सभी स्टार खिलाड़ी को बड़े तोहफे भी देंगे, और साथ ही हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को इस दौरान विक्रम पुरस्कार से भी नवाजा गया। आपको बता दें कि विवेक सागर काफी गरीब परिवार से आते हैं। उनका भारतीय हॉकी तक पहुंचने का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने पर उनके परिवार और गांव के लोग भी बहुत खुश हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार का सिर भी गर्व से ऊंचा हुआ है, और उसी का एक छोटा सा तोहफा उनको दिया गया है। तो देखा आपने, एक ऐतिहासिक जीत ने इन सभी ओलंपिक खिलाड़ियों की जिंदगी बदल कर रख दी। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।